Hey guys, my name is Harshal and welcome to Harsh Facts. This is the third episode of Space Talk and let's begin with this week's space news. दोस्तों लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि चाइना ने अपना चैंग ई 4 स्पेसक्राफ्ट मून के फार साइड पर लैंड किया था। इस स्पेसक्राफ्ट में चाइना मून पर प्लांट ग्रो कराने के एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाला था। इसमें एक 18 सेंटीमीटर का एयरटाइट कंटेनर था जिसमें मून प्लांटेशन एक्सपेरिमेंट्स के सीड्स थे और इसका नाम था मून सरफेस माइक्रो इकोलॉजिकल सर्कल और इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू थी अराउंड $1.8 मिलियन या फिर 11 to 12 crores। लास्ट वीक चाइना मून पर फर्स्ट प्लांट ग्रो करने में सक्सेसफुल हुआ है। जैसे ही चाइना का चैंग ई 4 स्पेसक्राफ्ट मून पर लैंड हुआ, इमीडिएटली आफ्टर दैट ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था। यह एक्सपेरिमेंट इनिशियल फेज में कॉटन प्लांट ग्रो करने में सक्सेसफुल हुआ, लेकिन ये प्लांट ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाया एंड इट डाइड आफ्टर फ्यू डेज। देखो, मून का रोटेशन 27 अर्थ डेज में कंप्लीट होता है, जिसमें से 2 वीक तक डे टाइम रहता है और अनदर 2 वीक तक नाइट टाइम रहता है। डे टाइम पर इसका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री तक जाता है और नाइट टाइम पे यह ऑलमोस्ट -100 डिग्री होता है। इतना वास्ट टेम्परेचर डिफरेंस में ये एयरटाइट कंटेनर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाया और इसका टेम्परेचर 52 डिग्री तक चला गया। इसकी वजह से उस प्लांट की डेथ हो गई। इस एक्सपेरिमेंट का टोटल टाइम था 212 आवर्स और ऑलमोस्ट 9 डेज। दोस्तों, जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रोलाइव एक्सपीरियंसेस। ये कंपनी खुद को स्पेस एंटरटेनमेंट कंपनी मानती है। इस कंपनी का एम है टू डू आर्टिफिशियल मेटियोर शावर, जिसको हम उल्का वर्षाओं भी कहते हैं। इनके मिशन का नाम है शूटिंग स्टार्स ऑन डिमांड। इन्होंने इनका सैटेलाइट अभी एप्सिलॉन 4 रॉकेट के साथ लॉन्च किया है और ये सैटेलाइट 1 साल के लिए अर्थ के ऑर्बिट में रहेगा और आफ्टर 1 ईयर फिर उसे स्पेस एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाएगा। इस सैटेलाइट के अंदर 400 ग्लोइंग बॉल्स है जो कि स्पेस में रिलीज करने के बाद मेटियोर शावर जैसा फील देते हैं। ये सैटेलाइट अराउंड 30 स्पेस एंटरटेनमेंट के शोज कर सकता है और इसका फर्स्ट शो नेक्स्ट ईयर 2020 में जापानी सिटी हिरोशिमा के ऊपर देखने को मिलेगा। दोस्तों, किसी भी कंट्री की अगर डिफेंस सिस्टम देखोगे तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, वैसे मोर एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट्स डेवलप हो रहे हैं। इसकी वजह से कंट्रीज को अपनी डिफेंस सिस्टम को भी बेटर करना मस्ट हो रहा है। और अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देखते हुए यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह अनाउंस किया है कि यूएसए को सेफ रखने के लिए वो स्पेस डिफेंस सिस्टम लॉन्च करेंगे। ये सिस्टम अर्थ पे से जो भी कोई मिसाइल यूएसए की डायरेक्शन में लॉन्च हुआ है या फिर होने वाला है उसे मॉनिटर करेगी और उसे लॉन्च के इमीडिएट बाद में या फिर उसके पहले ही ये डिस्ट्रॉय कर देगी। यूएसए को डर लग रहा है कि नॉर्थ कोरिया और ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल यूएस पर लॉन्च कर सकते हैं, इसीलिए वो ये डिफेंस सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। इनिशियल फेज में ये स्पेस सेंसर्स डिप्लॉय करेंगे और ये सिस्टम नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में डेवलप करना शुरू भी कर देंगे। इफ दिस बिकम्स रियलिटी, आई थिंक वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मेकिंग साइंस फिक्शन लाइक स्टार वॉर्स इनटू अ साइंस रियलिटी। अगर ट्रैवलिंग आपकी हॉबी है और आप एक्जॉटिक प्लेसेस को ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो एक और एक्जॉटिक प्लेस ट्रैवलर्स के डेस्टिनेशन में ऐड होने जा रही है और इसे स्पेस टूरिज्म टू विजिट। ये स्पेस ट्रिप होगी लगभग 12 दिन की एंड इट विल कॉस्ट यू ओनली 5 crores पर डे। बहुत ज़्यादा सस्ता है ना? एनीवे, होल ट्रिप विल कॉस्ट यू $9.5 मिलियन, अराउंड 65 to 67 crores। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इनके वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग चार्जेस है $80,000, अराउंड 56 लाख रुपीज। जब यह प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ, उसके कुछ दिनों में ही इस होटल की 3 मंथ्स की बुकिंग्स ऑलरेडी फुल हो गई। एनीवे, इफ यू एवर विजिट, डोंट फॉरगेट टू मेक अ व्लॉग ऑफ योर ट्रिप। दोस्तों, मार्केटिंग किसी भी कंपनी का बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है और सालों से मार्केटिंग चेंज होते हुए आया है। पहले सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर्स में ऐड आते थे, अब तो सोशल मीडिया पे भी ऐड्स ही आते हैं और आपने शायद एयर बलून्स के भी ऐड्स देखे होंगे। लेकिन
एक रशियन कंपनी स्टार्ट रॉकेट ने एक न्यू कंसेप्ट लाई है। इनका एम है टू पब्लिश स्पेस बिलबोर्ड बैनर्स इन द स्काई। बेसिकली ये एक बहुत सारे सैटेलाइट्स का क्लस्टर लॉन्च करेंगे। इस क्लस्टर में रहने वाले सारे सैटेलाइट्स इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे। इन सैटेलाइट्स को क्यूब सैट्स कहा जाएगा एंड ईच सैटेलाइट विल एक्ट एज एन इंडिविजुअल पिक्सल टू फॉर्म अ बिलबोर्ड। ये एक बिलबोर्ड एक साल तक स्पेस में रहेगा और ये रात में और दिन में भी विजिबल रहेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट स्टार्ट रॉकेट हैज प्रपोज्ड और इनको स्पेस इंडस्ट्री से काफी रेजिस्टेंस मिल रहा है। एस्ट्रोनॉट्स भी इस आइडिया से खुश नहीं है एंड दे थिंक इट्स अ बैड आइडिया। एक तरीके से देखा जाए तो ये आइडिया टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस है, बट टू लूज अवर नेचुरल स्काईलाइन टू एडवर्टाइजर्स आई थिंक दैट्स अ टेरिबल आइडिया। अगर ये आइडिया इम्प्लीमेंट होता है तो जैसे आपको वेबसाइट्स पे पॉपअप एड्स दिखते हैं, वैसे ही ये आइडिया इम्प्लीमेंट होने के बाद में आपको ओपन स्काई में एड्स दिखेंगे, विच आई थिंक विल बी वेरी अनोइंग। और वैसे ही हमने यहाँ धरती पर कम गंद नहीं मचाई है जो कि स्पेस को भी गंदा करेंगे। एस्ट्रोनॉमी के एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि दिस आइडिया विल कॉज मोर प्रॉब्लम्स देन कन्वीनियंस। और एट करंट सिचुएशन स्पेस में मोर देन 20,000 ऑब्जेक्ट ऐसे ही रोटेट हो रहे हैं, जिसमें से लेस देन 10% आर एक्टिव सैटेलाइट्स एंड रिमेनिंग जो है वो स्पेस गार्बेज है। बट ये कंपनी 2022 तक इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। व्हाट यू गाइस थिंक, क्या ये आइडिया इम्प्लीमेंट होना चाहिए या फिर नेचर को सेव करने के लिए इस आइडिया को स्क्रैप करना चाहिए? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। और इस वीक के लिए इतना ही। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब विथ नोटिफिकेशन। बाय।